Welcome to another video. In this video, we will try to understand and discuss the foreign policy of the United States during the Cold War period. The Cold War period, that is 1947 to 1991. In this video, mein hum log in brief, US ka jo foreign policy hai, Cold War ke samay mein, 1947 se lege 1991 ke beech mein jo foreign policy unhone apnaya, usko hum log isme discuss karein. Okay. So, बहुत सारा फीचर्स बहुत सारा डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स है, स्ट्रेटजीज है, एक्शंस है जो फॉरेन पॉलिसी में अपनाया गया यूएस के द्वारा. ठीक है, उसको देखेंगे. सबसे पहले कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन. कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन जो है वो यूएस फॉरेन पॉलिसी का वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन है उस समय का. इस डॉक्ट्रिन को आर्टिकुलेट किया था जॉर्ज एफ कैनन ने 1947 में. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फॉरेन अफेयर्स में जिसमें वो कहते हैं जिसमें जॉर्ज एफ कैनन ये कहते हैं कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स को सोवियत यूनियन का एक्सपांसिज्म को प्रिवेंट करना है, उसका जो स्प्रेड है, कम्युनिज्म का जो स्प्रेड है उसको भी कंट्रोल करना है ना. तो ये जो कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन है ये एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क बन जाता है यूएस फॉरेन पॉलिसी का फॉर डिकेड्स, क्योंकि 1947 से 1991 इज अ लॉन्ग टेन्योर, लॉन्ग टाइम. तो यही कंटेनमेंट डॉक्ट्रिन गाइड करता है यूएस का एक्शन को, जो कि जॉर्ज एफ कैनन का बाद जो सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन आया सबने इसको अपना फॉरेन पॉलिसी का डॉक्ट्रिन में अपनाया है. नेक्स्ट इज द मास्टर प्लान. सो मास्टर प्लान क्या था? 1948 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज सी मार्शल एक प्लान प्रपोज करता है. उस प्लान के तहत वो कहता है कि हमें यूरोप को वापस रिबिल्ड करने का जरूरत है, बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप वॉज डिवास्टेटेड. बहुत बुरा हाल था यूरोप का, और इसी के वजह से जो पावर वैक्यूम एक निकल के आया था उसी मौका का फायदा उठाते हुए यूएस सुपर पावर बना था उस समय, है ना. तो मार्शल प्लान का थ्रू यूएस ट्राई कर रहा था कि यूरोप को वापस रीबिल्ड किया जाए, लेकिन उसको रीबिल्ड करने का एक्सचेंज में वो उससे क्या मांगा, यूरोप से वो उस एक्सचेंज में एक कमिटमेंट मांगा था कि आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देगा, फ्री मार्केट इकोनॉमीज को अप्लाई करेगा, मोटा मोटी बात यह है कि जो अमेरिकन आइडियोलॉजीज है उसको मानेगा. और यूएस मार्शल प्लान इसलिए भी कर रहा था ताकि यूरोप जो कि एक इम्पोर्टेंट पावर हब है ना, एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, वहाँ पे यूएस का दबदबा बना रहे, वहाँ पे आपका सोवियत यूनियन वहाँ पे अपना कम्युनिज्म को ना फैला पाए, वहाँ कम्युनिज्म को स्प्रेड ना कर पाए. ठीक है, तो ये है आपका मार्शल प्लान. नंबर थर्ड है नाटो, है ना. 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स विद सेवरल अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एक अलायंस फॉर्म करता है, मिलिट्री अलायंस फॉर्म करता है, जिसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो कहते हैं, जो कि एक कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करता है सोवियत एग्रेशन के लिए. तो उनका क्या कहना था, उनका ये वन ऑफ द प्रिंसिपल था कि एक नाटो कंट्री का ऊपर अटैक मतलब सारा नाटो कंट्री का ऊपर अटैक. तो एक का ऊपर कोई अटैक कर देगा तो पूरा का पूरा नाटो कंट्री आ जाएगा उसको संभालने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये नाटो था, है ना. तो ये नाटो और ऐसा बहुत सारा मिलिट्री अलायंस यूएस ने उस समय फॉर्म किया था, आपका सीटो है, सेंटो है और भी बहुत सारा है. तो इसका थ्रू यूएस जो है एक अपना पोजीशन को एज ए लीडिंग मिलिट्री सुपर पावर इन द वर्ल्ड उसको बनाए रखना चाहता. ठीक है, नंबर फोर जो फॉरेन पॉलिसी में आपका देखने के लिए मिलेगा वो है आर्म रेस्ट. यूएस और सोवियत यूनियन उस समय में एक बहुत लंबा आर्म रेस्ट में था, जिसमें दोनों ही एक का बाद एक न्यूक्लियर वीपन्स बना रहा था, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था, और बहुत सारा न्यूक्लियर न्यूक्स को ना एक दूसरे का देश का सामने वालों जितना सामने हो सके उतना सामने उसको रख रहा था. तो ये भी देखने के लिए मिलता है. और ये जो आर्म रेस था इसका वजह से बहुत सारा रिसोर्सेस उनका इस आर्म रेस में चला गया, बहुत सारा मेजर, इट वॉज अ मेजर रीजन कि दोनों कंट्री का जो रिसोर्सेस है वो ड्रेन हो रहा था. और इसी आर्म रेस का वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड एक फियर एंड इंस्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ फियर और इंस्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा उस समय. नंबर फिफ्थ में प्रॉक्सी वार्स आता है. सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स का बीच में सिर्फ मिलिट्री ये नहीं था, इशू नहीं था, दोनों का बीच में आइडियोलॉजिकल गैप था. ये जो आइडियोलॉजिकल गैप है इसका वजह से क्या हुआ, एक मार्केट इकोनॉमी डेमोक्रेसी लिबरल डेमोक्रेसी का बात करता है, दूसरा कम्युनिज्म का बात करता है, सोशलिज्म का बात करता है. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था कि एक ही कंट्री को दो भाग में बांट दिया गया. ऐसा आपको एग्जांपल बहुत सारा मिलेगा. प्रॉक्सी वार क्या होता है, प्रॉक्सी वार ये होता है कि दो सुपर पावर आपस में नहीं लड़ रहा है,
उनको सपोर्ट करने वाला जो ग्रुप है वो आपस में लड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपका जो मोस्ट वेल नोन है वियतनाम वार. वियतनाम इस वार में क्या हो रहा था, वियतनाम वार में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो साउथ वियतनाम इसको गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था और नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट फोर्सेज यानी कि सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रहा था. तो दोनों को मिलिट्री सपोर्ट इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है दो कंट्री से और दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं. तो यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन आपस में नहीं लड़ रहा था, उनको सपोर्ट करने वाला जो कंट्री है गवर्नमेंट है वो आपस में लड़ रहा था. ऐसा ही आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का वार में भी देखा जाएगा और ये आपको बहुत सारा ऐसा प्रॉक्सी वार्स हुआ था जिसके बारे में आप देख सकते हैं. ठीक है, फिर नंबर सिक्स जो आता है उस समय आपका वो है डिटेंटे. डिटेंटे में क्या होता है, दोनों को ये मालूम पड़ गया था कि ये जो आपका प्रॉक्सी वार चल रहा है, ये जो कोल्ड वार चल रहा है, इससे इसका वजह से जो टेंशन बढ़ रहा है उसको रिलैक्स करने का जरूरत है. तो इस बीच एक नया अप्रोच लेके आ जाता है दोनों ही, एक म्यूचुअल कंसर्न दोनों का, दोनों देश का जो लीडर्स है उसका बीच में आ जाता है कि चलो है ना बहुत हो गया कोल्ड वार, बहुत आर्म रेस हो गया, तो एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज एग्रीमेंट साइन किया जाता है डिटेंटे का थ्रू. तो बहुत सारा आर्म कंट्रोल ट्रीटी आपको देखने को मिलेगा है ना. फर्स्ट है आपका सॉल्ट वन सॉल्ट टू, सॉल्ट आपका स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक है, फिर आपका स्टार्ट वन स्टार्ट टू है. तो बहुत सारा आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका तहत दोनों कंट्री ट्राई कर रहा था कि आर्म रेस को रोका जाए. एंड ये जो आपका डिटेंटे है ये इसके बाद थ्रू डिटेंटे दोनों कंट्री अपना रिलेशन को थोड़ा अच्छा करने का कोशिश कर रहा था. लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन आ जाते हैं 1980s में. वो एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन लेके आते हैं जिसको हम लोग रीगन डॉक्ट्रिन. रीगन डॉक्ट्रिन में वो क्या करता है, रीगन डॉक्ट्रिन का थ्रू वो कहता है कि यूएस का जो मिलिट्री एक्सपांडिंग है उसको बढ़ा देना चाहिए और मोर एग्रेसिव अप्रोच लेके आप सोवियत यूनियन का एक्सपांशन को रोकना चाहिए. तो रीगन डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका जितना भी एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस है बहुत सारा कंट्रीज में अराउंड द वर्ल्ड, जितना भी कंट्री कम्युनिज्म को रोकने के लिए फाइट कर रहा है उसको यूनाइटेड नेशन या फिर सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट करेगा, मिलिट्री सपोर्ट देगा, इकोनॉमिक सपोर्ट देगा. इसका तहत आपका आपका ये जो रीगन डॉक्ट्रिन है ये काम करता था. और रीगन डॉक्ट्रिन का अंदर ही बहुत सारा इकोनॉमिक सैंक्शंस भी आपका सोवियत यूनियन के ऊपर लगाया गया. तो ओवरऑल आपका जो फॉरेन पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स का ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर पीरियड ये बहुत सारा फैक्टर्स को लेकर चलता है और इसमें से जो सबसे इमिनेंट है वो क्या है, सोवियत यूनियन का एक्सपेंशन को रोकना, कम्युनिज्म का स्प्रेड को रोकना और यूएस का जो लीडरशिप है वर्ल्ड में जो इन्फ्लुएंस है उसको बनाए रखना. इस बीच में आपको बहुत सारा प्रॉक्सी वॉर्स देखने के लिए मिलेगा, आर्म रेस देखने के लिए मिलेगा. और एक पीरियड आता है 1970s में जब ऐसा लगा था कि आर्म रेस थोड़ा कम हो गया है, कोल्ड वॉर भी खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा था उस समय है ना. लेकिन तभी रीगन डॉक्ट्रिन आ जाता है और वो वापस से कोल्ड वॉर को जिंदा कर देता है. ठीक है, तो ये आप यूएस का फॉरेन पॉलिसी जो कोल्ड वॉर पीरियड है उसका कुछ ब्रीफ में आपको ये पॉइंट्स मैंने बताया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर